चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन रीड करो. इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 100% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी. सबसे पहली बात, अगर आपके पास 100 रुपए हैं और उसमें 100% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? आपके पास जितना था उतना ही आपका और बढ़ गया, यानी 200 रुपीज आ गया आपके पास. 100% इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि जितना था उतना ही और एड हो गया, तो आपका 200 रुपीज हो गया. तो 100 और 200 में क्या डिफरेंस है? 200 100 का डबल है ना, ठीक है? ये पॉइंट समझना, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं. तो अगर 100% इंक्रीज हो रहा है किसी अमाउंट में, तो मतलब वो अमाउंट डबल हो रहा है. उसी तरह अगर 200% इंक्रीज हो रहा है किसी अमाउंट में, इसका मतलब वो तीन गुना हो गया आपके प्रिंसिपल अमाउंट का, किसी मतलब इनिशियल वैल्यू का. अगर कोई कहे कि 300% अगर इंक्रीज हो गया कोई अमाउंट, ठीक है, इसका मतलब है वो पहले की कंपेयर में चार गुना हो गया. उसी तरह 400% अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो उसी हिसाब से 5 टाइम हो जाएगा, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना. 100% इंक्रीज होने का मतलब डबल हो जाना, 200% इंक्रीज होने का मतलब तीन गुना होना, 400% इंक्रीज होने का मतलब पांच गुना हो जाना, 300% इंक्रीज होने का मतलब चार गुना हो जाना. तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक डिफरेंस है. अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है वो क्या होता है. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2m इनटू p स्क्वायर. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप ले सकते हैं 1/2m पी इनिशियल का स्क्वायर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप लिखोगे 1/2m पी फाइनल का स्क्वायर, और दोनों को सॉल्व करोगे के फाइनल अपॉन के इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा, पी फाइनल का स्क्वायर अपॉन पी इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है? अब जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 100% इंक्रीज होने का मतलब है कि मोमेंटम डबल हो गया. 100% इंक्रीज होने का मतलब मोमेंटम पहले के कंपेयर में डबल हो गया. अगर इनिशियल मोमेंटम आप पी कंसीडर कर लो, तो इट मींस फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2p, ठीक है? तो अगर ये वैल्यू यहां रख दी जाए तो ये 2p, पी फाइनल की वैल्यू क्या होगी, 2p होगी. पी फाइनल की वैल्यू 2p होगी, उसका स्क्वायर कर दिया अपन p इनिशियल की वैल्यू, p लिखा उसका स्क्वायर किया, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 आ जाएगा. तो k फाइनल अपॉन k इनिशियल इज इक्वल टू 4 आया. इट मींस k फाइनल 4 टाइम्स ऑफ k इनिशियल. तो अगर यानी ये 4 गुना हो गया. अगर ये 100 रुपए था, अज्यूम करो 100 यूनिट था, तो 100 यूनिट का क्या हो गया 400 यूनिट, तो कितना बढ़ा, 300% बढ़ा ना k फाइनल. तो k फाइनल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, k इनिशियल प्लस 3k इनिशियल, 4k इनिशियल को k इनिशियल प्लस 3k इनिशियल. तो इसका मतलब है कितने का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 300 अगर 4 टाइम्स हो रहा है पहले के कंपेयर में, तो 300% इंक्रीज हो गया, 300% इंक्रीज हो गया. तो ये वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.